हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पूरा करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो एनसीईआरटी पूरे वीडियो का जो विस्तार में समझाता हूँ हर एक चीज़ को डिटेल में, वो तो सब बना ही रखा है। अभी ये उसकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन बॉक्स के अंदर जो होते हैं और अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। सो सबसे पहले ये आपके बॉक्स का क्वेश्चन है। जो बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर बने होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बॉक्स के अंदर के और अभ्यास के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, आपको तीन प्रक्रियाएं दी गई हुई हैं, जिनमें से एक में से आश्रित जल, एक में से अम्लीय विलयन तथा दूसरे में से क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, आप प्रत्येक प्रक्रिया में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर मैं पहले जब वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको समझाया था। परख नली क्या होती है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं अंग्रेजी में। इस आकार का होता है, ऐसे ऐसे आकार का होता है, ठीक है। इसमें ना पानी भरा रहता है, पानी वगैरह डालते हैं, ऐसे ऐसे परख नली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होता है। अगर आप आपकी जो प्रयोगशाला है, आपके टीचर को बोलेंगे तो वो ज़रूर दिखाएंगे। तो आपके पास तीन परख नली है, तीन टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। सो आपको पता कैसे चलना है कि एक में तो सिर्फ पानी रखा हुआ है, एक में अम्ल है और एक में क्षार है, तो कैसे पता लगाओगे? सिर्फ आपको क्या दे रखा है, आपको सिर्फ लाल लिटमस पत्र दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, लाल लिटमस पत्र। क्या तीन परख नलियों में दिए गए पदार्थों की पहचान के लिए हम सर्वप्रथम जो लाल लिटमस पत्र को ना बारी बारी से तीनों विलयन में डालकर चेक करेंगे, ठीक है। मैं तीनों बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब देखो जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा वो क्षारीय होगा, गुड है भाई। अगर लाल को वो नीला कर दे रहा है, सपोज करो ये सब में रखा ये है, ये मैंने इसमें डाला लाल वाला लिटमस पत्र ऐसे, ठीक है, इसने इसको क्या बना दिया, नीला, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। यानी कि भैया ये क्या है, क्षार है। अब मेरा लिटमस पत्र नीला हो गया, नीले को मैंने इसमें डुबोया, ठीक है, अम्ल में, तो नीले को इसने बना दिया लाल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल। और इस लिटमस पत्र को जैसे आप इसमें डुबोगे तो कोई रंग बदलेगा नहीं, पानी में डालने पे कोई रंग नहीं बदलेगा। पानी होता है अशुद्ध, उसका पीएच होता है 7, तो पानी में जैसे डालोगे वो कोई रंग परिवर्तित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से एक लिटमस पत्र की मदद से हम बाकी सब चीज चेक कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले लिटमस पत्र को उसमें डुबाओगे पानी में, तो रंग नहीं बदलेगा। जब रंग नहीं बदल रहा, यानी कि वो पानी है, तो हम इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो आंसर क्या है, दही तथा खट्टे पदार्थ प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक है। अम्ल पीतल तथा तांबे की धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और ये जो लवण होते हैं ना, आपको पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनाते हैं। और ये जो लवण बनाते हैं ना, जो दही खट्टा है और जो जिस पात्र में रख रहे हो आप, ठीक है, वो अम्ल, वो क्या है, धातु है, तो ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और वो जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, विषैले होते हैं। इसीलिए दही तथा अन्य पदार्थों को पीतल तथा तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, वो विषैला बना देता है, उसको जहर बना देता है। क्या धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करोगे? देख रहे हो क्वेश्चन कितने शानदार है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं जब एक अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। उदाहरण देखिए ये मेरा जिंक है, इसने H2SO4 के साथ अभिक्रिया की, ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, ZnSO4 और H2 गैस हवा में उड़ गया, ये उसका उदाहरण है, ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति की परीक्षण आप कैसे करोगे? कह रहे हैं गैस के समीप जलती हुई मोमबत्ती लाने पर गैस धमाके की आवाज़ के साथ जलती है और ये हाइड्रोजन गैस है। देखो
गैस जो जब जहाँ से गैस निकल रही है ना, वहाँ पर अगर आप मोमबत्ती ले जाओगे तो वो चुप करके ऐसे अगर आवाज़ करेगा और जल के उठेगी तेज, तो पता लगेगा कि भाई यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कह रहे हैं एक धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित आवेश समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जो ए है ना वो हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और उत्पन्न जो गैस होगी वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। देखो ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है ए, उसको मैंने HCl के साथ क्या किया, अभिक्रिया कराया। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फिर मेरे को पानी अलग मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट करते हुए ऊपर उठ जाएगा, गैस है ना ऊपर उठ जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT के क्वेश्चन है, तो इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी फिलहाल हम बॉक्स के कंटेंट कर रहे हैं, इसके बाद अभ्यास करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। ठीक है, और आप चाहो तो स्क्रीन शॉट लेके आप अपना नोट्स बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है। देखो अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ मिले ना, एडजस्ट कर लेना क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो विद्युत का चालन कब होता है, विद्युत का चालन के लिए जो उत्तरदायी है ना वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ में चलते रहते हैं तो उसी के द्वारा विद्युत का आवागाही होता है। तो जो अम्ल का जलीय विलयन होता है ना, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, एच पॉजिटिव उत्पन्न करते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंगों को क्यों नहीं बदलती। तो इसका आंसर है, शुष्क HCl गैस एच पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती, एच पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती है क्योंकि आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, आयनों का जो अगर जल ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा वो चीज़। ठीक है ना, इसी वजह से नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो आंसर क्या होगा कि घट जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, घट जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सोडियम हाइड्रोजन विलयन में आधिक्य क्षारक मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो इसमें क्या होता है, सांद्रता बढ़ जाती है, उसमें घट जाती है और इसमें आंसर बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज़बरदस्त है क्योंकि जो pH पैमाना होता है आपको पता है ना, 0 से 14 होता है। ठीक है, यहाँ एच पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव होता है, इन्हीं पे हम इधर अम्लों की बात होती है, इधर क्षारक की बात होती है ना। कह रहे हैं एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता विलयन की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है, मैंने बोला ना इधर अम्ल होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, एच पॉजिटिव का मान जितना कम होगा अम्लीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है, और एच पॉजिटिव का मान जितना ज़्यादा होगा अम्लीय प्रवृत्ति उतनी कम होगी, इसका उल्टा OH में होता है। कह रहे हैं आपके पास दो विलयन है ए और बी, विलयन ए का pH मान 6 है और बी का pH मान 8 है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारक है। तो मैंने अभी आपको बताया pH स्केल में 7 से कम सारे हमारे अम्ल हैं, 7 से ज़्यादा सारे हमारे क्षार हैं और 7 पे उदासीन होता है। ठीक है, तो देखो ए हमारा 6 है, 7 से कम है यानी कि अम्लीय होगा, बी हमारा 8 है यानी कि 7 से ज़्यादा यानी कि क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयनों में एच पॉजिटिव आयन होता है, अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। देखो आंसर क्या है, हाँ क्षारकीय विलयनों में भी एच पॉजिटिव आयन होता है लेकिन ये फिर भी क्षारकीय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता एच पॉजिटिव के आयनों की सांद्रता से बहुत अधिक होती है। ठीक है, कह रहे हैं इनमें भी एच एच पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और एच
पॉजिटिव से ज़्यादा क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो हम उसी को वरीयता देते हैं तो वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा के किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, जब चैप्टर पढ़ा रहा था, कि पेट में जब एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हम प्रतिआक्सीकारक खाते हैं, यानी कि क्षार की जो कुछ होता है, जो हमें दवाई मिलती है ना, वो क्षार की होता है, जैसे कि इनो वगैरह है ना, वो जैसे हम खाते हैं, पेट का एसिड लेवल जब बढ़ जाता है तो दर्द होता है ना, और जैसे हम क्षारक खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाके एसिड के लेवल को मेंटेन कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब खेतों खेतों की जो मृदा है, जो खेतों की जो मिट्टी है, उसका जो पीएच लेवल कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, ये इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, खेतों में छिड़कते हैं, ताकि हम खेतों की जो मृदा है, मिट्टी है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन कर पाएँ, पीएच लेवल को सामान्य कर पाएँ। तो यही इसका उत्तर है, ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर में पूछा जाता है काफ़ी, CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक नंबर में काफ़ी पूछा जाता है, कह रहे हैं उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो आंसर क्या होगा, शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, ये ट्वाइस इधर नहीं है, इधर है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए हम केवल। तो देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 के दो मोल ले लिए, उसको मैंने गर्म किया तो मेरा क्या बन गया, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या बनेगा, जल, फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सिर्फ अभिक्रिया लिखनी थी बस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखो ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसको मैंने जल के साथ अभिक्रिया कराया, जल के मैंने 1.5 मोल लिए, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, CaSO4 2H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाओगे तो जिप्सम बनता है ना, तो आराम से हो गया, सिर्फ रिएक्शन लिखनी थी, एक नंबर में आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं ना, पीछे जो अभ्यास नहीं है, एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब वो करेंगे, इसके बाद एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इन सबको। कह रहे कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका संभावित मान क्या हो सकता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वो क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा कौन है इसमें, 10। ठीक है, ये आंसर होगा। फिर हमसे बोला है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी की दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, करें अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किन औषधि का उपयोग किया जाए, अपच मतलब पेट खराब होना, पेट का फूल जाना, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, तो क्या क्या दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है, एंटासिड मतलब एसिड को ख़त्म करने वाला, एसिड को कम करने वाला, क्षारक दिया जाता है हमें। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, शब्द समीकरण का मतलब शब्दों में उसके बाद इक्वेशन में आपको आंसर देना है। कह रहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 जिंक के साथ क्रिया कर रहा है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और फिर क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है,
ये जिंक सल्फेट है ZnSO4 और ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये सिर्फ अभिक्रिया देनी थी शब्दों में भी और उसमें भी। फिर क्या बोला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। आराम से हो गया। फिर बताना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। संतुलित कर लेना आप। फिर क्या बोला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और ये लोहा Fe क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड FeCl2 और क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये सिर्फ समीकरण लिखने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है। आश्रित जल मतलब जिसका पीएच पैमाना 7 होगा, ठीक है, और आश्रित जल में जब पीएच पैमाना उसका 7 है तो उसमें एच पॉजिटिव आयन नहीं है। कौन सा आयन नहीं है, एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, एच पॉजिटिव आयन, और आश्रित जल में एच पॉजिटिव आयन नहीं पाया जाता। जबकि जो अम्लीय जल अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 या 5.5 है, उससे कम होता है, ठीक है, 5.6 से जब कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा अम्ल में एच पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं इसलिए वो विद्युत का चालन करते हैं। सीधी सी बात होगी, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जल ही अगर नहीं रहेगा तो आयनीकरण कहाँ से होगा, और आयनीकरण नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। तो वही लिखा है, कह रहे हैं जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि अम्लों से हाइड्रोजन आयन का विलगन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। ये इसका आंसर है। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन की अम्लों की अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी एच पॉजिटिव आयन होते हैं। भाई अम्ल कैसे पता करते हो, एच पॉजिटिव आयन की मदद से। क्षार कैसे पता करते हो, OH नेगेटिव के आयन की मदद से। जब अम्ल में एच जल की अनुपस्थिति में वो चीज़ हो ही नहीं रही है तो वो अम्ल का व्यवहार कैसे दिखाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 5 विलयन दे रखे हैं हमें ABCDE, ठीक है। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः ये हैं इन सब के। कौन सा विलयन क्या है वो बताना, कौन सा उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है, वो बताना है। उदासीन किस पे होता है, जिसका पीएच पैमाना 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। देखो अम्ल दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा। दुर्बल क्षार कौन सा होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा। प्रबल क्षार कौन होगा, जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा। प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा, ठीक है। सो उदासीन जिसका पीएच 7 है, प्रबल क्षार जिसका पीएच 11 है, प्रबल अम्ल जिसका पीएच 1 है, दुर्बल अम्ल जिसका पीएच 4 है, और दुर्बल क्षार जिसका पीएच 9 है, ठीक है। क्योंकि ये पीएच का टेबल है ना, इधर अम्ल है इधर क्षार है, ठीक है, ये 7 पे उदासीन है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्षार में और इधर कम होता है 1 से, इधर जितना जाओगे क्षार की प्रबलता उतनी बढ़ेगी, जितना कम होगा अम्ल की प्रबलता उतनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे परख नली है आपके पास A और B, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला पढ़िए, कह रहे ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्यों परिवर्तन होगा, उत्तर समझाइए। जो ताज़ा दूध होता है ना उसका पीएच मान 6 होता है, जब दही बनता है
तो उसका पीएच मान परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि दही जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है? तो पीएच मान गिरा है तभी उसका स्वाद और खट्टा हो गया है, ठीक है ना? तो क्या दूध के दही में परिवर्तन होने पर दूध का पीएच मान परिवर्तित होगा या 6 से कम हो जाएगा? इसी कारण दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होती है। खट्टा है, खट्टा कब होगा? जब अम्लीय होगा। अम्लीय है यानी कि पीएच मान उसका गिर गया है, पहले जितना था उससे कम हो गया है, तभी उसका स्वाद में परिवर्तन आ गया है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाता है? देखो, जो दूध वाले होते हैं, जो डेयरी वाले होते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं। वो ये बेकिंग सोडा मिला के उसका पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि वो गाढ़ा दिखे, ठीक है? तो क्या कहते हैं, दूध बेचने वाला ताजे दूध का पीएच से थोड़ा क्षारीय एक संस्थारित कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है और वो अधिक समय तक सही भी रहता है। क्योंकि जैसे ही खट्टापन आएगा ना, दूध फट जाएगा। दूध क्या होगा, फट जाएगा। खट्टापन आने से ही दूध फटता है, दही बन जाती है। और अगर उसमें क्षारक डाल दिया जाए तो उसका पीएच मान उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब वो जल्दी पीएच मान जब बढ़ गया है तो अम्लीय होने में टाइम लगेगा, इसलिए अधिक समय तक वो सुरक्षित रहता है, ठीक है? उसका क्षारीय लेवल को बढ़ा देते हैं, तो ये काम करता है वो। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखो, यह दूध से दही बनने में अत्यधिक समय लेता है क्योंकि दूध को क्षारीय से अम्लीय लेने के लिए अधिक समय लगेगा, जबकि यही दूध का पीएच 6 ही होता तो अपेक्षाकृत समय कम लगता। देखो, जो दूध था उसका पीएच 6 था, उस पर हमने क्या डाला, उस पर हमने बेकिंग सोडा डाला, उसका पीएच और बढ़ा दिया, 6 से भी बढ़ा दिया। अगर वो 6 पे रहता तो वो दही बनने में कम समय लेता, चूँकि उसका पीएच 6 से भी हमने बढ़ा दिया है, अब उसको पीएच कम होने में टाइम लगेगा, ठीक है? जो दूध, ठीक है, वो अगर मिला देते हो तो वो दूध दही बनने में बहुत टाइम लेगा, क्योंकि उसका पीएच पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो यही इसका एक कारण है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? व्याख्या कीजिए। आर्द्र मतलब नमी, ठीक है, नमी विरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? कह रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी जल के संपर्क में आता है तो एक लेई जैसा पदार्थ प्राप्त होता है जो शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय ठोस में, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, उसमें बदल जाते हैं। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब क्रिया पानी के साथ होती है तो क्या बनाता है वो, जिप्सम, ठोस कठोर पदार्थ। तो देखा होगा, जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस घर पे खरीद के लाते हो, अगर आप उसे वर्षा नमी में रख दोगे तो वो ठोस बन जाती है, जिप्सम बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने पानी के साथ अभिक्रिया कर ली है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमें लवण और जल मिलता है, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? ये आप लिख सकते हैं, ये मेरा क्षार है, ये मेरा अम्ल है, ये मेरा लवण है, ये मेरा जल है, ठीक है? NaOH HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा और हमें पानी अलग मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। कह रहे, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो दो उदाहरण लिखो। धोने के सोडे का जो उपयोग है कांच, साबुन, कागज़ के निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता के निर्माण में, ठीक है, जो कठोर जल होता है, ठीक है, उसमें अगर धोने का सोडा मिला दो तो वो उसके कठोरपन को कम कर देता है, ठीक है? और फिर उसमें झाग, उसमें जब सर्फ मिला होगा तो फटाफट बहुत झाग होगा, लेकिन विदाउट, जब धोने का सोडा नहीं डालोगे और सर्फ डालोगे तो कम झाग होगा। कह रहे, खाने के सोडे का उपयोग प्रति अम्ल, जब पेट खराब होता है तब औषधि के रूप में करते हैं, भोज्य भोजन में, पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन सब में ना, में भी होता है। अब हम टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है? अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, अम्ल, ठीक है, इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण, इसके उपयोग, और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल, ठीक? तो अम्ल जो है ना, एसिड लैटिन भाषा से बना है। एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा। इसका
इसका मतलब क्या हुआ कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। अम्ल कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, लेकिन प्रकार आपसे एग्जाम में नहीं आता है। जैसे कि साइट्रस, दही में अम्लों का लैक्टिक अम्ल है, कई सारे अम्ल हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ना, सारे अम्लीय हैं। तो प्रकार तो नहीं आता है। तो मिनरल एसिड है ना, खनिज अम्ल वगैरह, ये सब आप देख सकते हो, ये नहीं आता। अम्लों के गुण की बात की जाए, स्वाद, अभी मैंने बोला उसको स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। संचारिक प्रकृति, अम्लों की अभिक्रिया तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सूचकों पर अभिक्रिया, सूचक, जैसे मैंने लिटमस पत्र बोला, फिनोफ्थलीन बोला, ठीक है, वो सब मैंने चैप्टर जब पढ़ा रहा था वहाँ पर सब समझा रखा है। तो कह रहा है सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ली तथा क्षार के माध्यम में विभिन्न रंग देता है, जैसे कि लिटमस, मेथिल ऑरेंज आदि कुछ सामान्य प्रयोग में आने वाले सूचक हैं। अब जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? देखो, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी ना तो क्या बनाएगी, लवण बनाएगी। क्या बनाएगी, लवण, ठीक है। तो ये उदाहरण लिख सकते हो, ये धातु है मेरा ZN, ये मेरा अम्ल है HCl, ठीक है। तो इसने बनाया लवण ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी है। आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है, अभी पढ़ा था हमने कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या बनता है, आप बोलोगे लवण बनता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अम्ल प्लस धातु, यहाँ लिखोगे धातु लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। हर एक का उदाहरण जरूर याद कर लेना ऐसे ऐसे, क्योंकि उदाहरण नहीं दोगे तो नंबर कट जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। कह रहे हैं अम्ल, देखो ये कार्बोनेट है, ये मेरा अम्ल है, तो अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपघटित करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। क्या देते हैं, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरा अम्ल है, ये मेरा कार्बोनेट है, ठीक है, धातु कार्बोनेट। इसने इसके साथ अभिक्रिया की, इसने मेरे को लवण दिया NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड दी गैस, और क्या दिया, पानी। और एक एग्जांपल लिया मैंने, दो एग्जांपल, ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेरा अम्ल है HCl, इसने अभिक्रिया करके CaCl2 दिया, पानी मुक्त किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जो कि हवा में उड़ गई। तो अभिक्रियाओं को लिख लिख के याद करना, पढ़ोगे अभी पढ़ोगे 2 मिनट बाद फिर भूल जाओगे, लेकिन लिख लिख के करोगे तो अब भूलोगे नहीं। जब कॉपी में लिखने जाओगे ना तो आपका पेन चलने लगेगा अपने आप। ये होता है प्रैक्टिस का कमाल। अगला बोल रहे हैं धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड का मतलब कोई भी आपने मेटल लिया और इसके साथ ओ लग गया, जैसे ये ZN है, इसके साथ ओ लग गया, तो ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, ये मेरा अम्ल है। तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है। देखो ये मेरा ZnO है, ये मेरा H2SO4 है, तो ZnSO4 बनाएगा और H2O बनाएगा, तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है इसमें। अब अम्लों के क्या उपयोग है, अम्लों के बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। पहला उपयोग क्या है, जो मेरा HCl है उसका क्या उपयोग है, क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कपड़ा रंगने के लिए होता है। नाइट्रिक अम्ल के क्या उपयोग हैं, सोने तथा चांदी के शोधन में। सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या उपयोग हैं, उर्वरक, धावन पाउडर, प्लास्टिक आदि के निर्माण में। तो इसे आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्षारक। जैसे हमने अभी अम्ल के बारे में जान लिया डिटेल में, अब क्षारक के बारे में भी जान लेते हैं। कह रहे हैं वह सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। और इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है और कड़वा होता है। यहाँ से देख सकते हैं, तीखा और कड़वा होता है। स्पर्श कैसा होता है, इसको अगर आप छुओगे ना तो साबुन की तरह चिकना होता है। और प्रकृति कैसी होती है, प्रबल क्षारक,
त्वचा पर संचारित प्रभाव पड़ता है। सूचकों पर क्या होता है? सूचक अभी मैंने बताया था, ये लाल लिटमस को नीला हो जाता है, और वो क्या होता था, नीले लिटमस को लाल कर देता था, ठीक है, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। कह रहे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो ये क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्षार है, ये इसने मेरा लवण बनाया, वो जल बनाया। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अभी मैंने आपको बोला था कि मेरा ये क्षार है, ये मेरा अम्ल है, ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्षार को क्या उपयोग है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो साबुन बना सकते हो, धावन पाउडर बना सकते हो, कागज बना सकते हो, कागज के लुगदी के उपयोग में भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है, सफ़ेदी करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है, क्लिंजिंग एजेंट बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में। तो अम्ल पढ़ लिया, छाड़ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लवण, कि भाई लवण क्या होता है, लवण कैसे बनता है। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, ये लिखोगे आप, ठीक है। तो लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक के बीच की उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद को हम लवण कहते हैं। जैसे ये मेरा क्षार है, ये मेरा अम्ल है, ये मेरा लवण है और ये मेरा जल है। तो लवण कैसे बनता है, जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें लवण प्राप्त होता है, ऐसे लिखोगे आप। तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, अम्ली लवण हो गया, क्षारकीय लवण हो गया, ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ों पे, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो इन पे या तो इनके उपयोग पूछेगा, या फिर क्या होता है जब इनको इससे मिलाया जाता है, या फिर बनने की विधि, या फिर साधारण नाम, या फिर रासायनिक नाम, या फिर रासायनिक सूत्र, बहुत पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, छोटे बड़े। तो ब्लीचिंग पाउडर ये सामान्य नाम हुआ, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड ही रहने दो, इसका रणु सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो बनाने की विधि क्या है, आपको बुझा हुआ चूना लेना है, उस पर क्लोरीन मिलाना है, तो आपको CaCl2 मिल जाएगा और जल मिल जाएगा। तो ये बनाने की विधि है कि कैसे बनाओगे, बनाने की विधि अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे कि मैं बुझे हुए चूने में जब मैं क्लोरीन मिलाऊंगा तो मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और मुझे पानी अलग से मिल जाएगा, ये बनाने की विधि है, सिंपल। गुण क्या है, भौतिक गुण की अगर बात करूं तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरीन की बदबू आती है क्योंकि क्लोरीन मिलाया जाता है, इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन हो जाता है, दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है अगर जल में मिला दोगे, तो इसके भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण क्या है, अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया करने में क्या होता है, देखो ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर है, इसको मैंने पानी के साथ मिलाया तो मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, क्लोरीन, ठीक। अगर इसको मैं गर्म कर दूं, ऊष्मा, इसको मैं हीट करूं, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर को अगर जब गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो मेरे को CaCl2 मिलेगा और मेरे को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। उपयोग क्या है, उपयोग बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कह रहे सूत, कागज, लकड़ी की लुगदी, लिनिन पदार्थों के विरंजक के रूप में, ऊन को सिकुड़नों से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, चीनी को सफ़ेद करने में, ठीक है, पेयजल को शुद्ध करने में। तो ये कुछ इजी इजी हैं जो हमेशा याद रहेंगे, तो चार पांच तो आपको हमेशा याद होने ही चाहिए, तो जो आसान आसान है चार पांच याद कर लो। अब आता है धावन सोडा, धोने का सोडा। धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। और बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि है जब सोडियम हाइड्रोजन
हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और पानी प्राप्त होगा। तो ये बनाने की विधि है, धावन सोडा क्रिस्टलीय कार्बोनेट तथा सोडा क्षार के रूप में बनाया जाता है और ये इसका बनाने की विधि है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई तो मुझे क्या मिल गया, Na2CO3 और पानी अलग हो गया। ठीक है, गुण क्या है? अगर भौतिक गुण की बात की जाए, धावन सोडा एक गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं होता, सफ़ेद सफ़ेद है, क्रिस्टलीय का मतलब दानेदार पदार्थ है। इसके एक अणु में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा देती है, मतलब जल में जब घोलोगे ना तो गर्म हो जाएगा वो जल, ऊष्मा निकलेगी। इसमें शुष्क वायु में रखने से क्रिस्टलीय जल के अणु निकल जाते हैं। अगर इसे आप रख दो फर्श पे कहीं पर धूप में तो इसमें जो पानी पानी नमी नमी है ना वो दूर हो जाती है, वो निकल जाते हैं। और गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसे गर्म कर दोगे तो निर्जल, जिसमें जल के अणु नहीं है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। रासायनिक गुण क्या है? अगर इसको अगर गर्म करोगे, ठीक है, ये मेरा Na2CO3, ये मेरा है ना, इसको अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, तो आपको Na2CO3 मिलता है और ये जो पानी के मोल है वो गायब हो जाता है, वो उड़ जाता है। फिर जल से क्रिया, अगर इसको जल में मिला दोगे, ये मैंने जल मिला दिया इसमें Na2CO3 में, तो मुझे क्या मिलेगा, कास्टिक सोडा मिलेगा NaOH, और मेरे को क्या मिलेगा, कार्बोनिक अम्ल S2CO3। ठीक है, ये चीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, एक कान सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, ऐसे नहीं होगा। इसको लिख लिख के याद करो, ठीक है, बार बार पढ़ो लिखो तभी बात बनेगी। उपयोग क्या है? कठोर जल को मृदु करने में, कांच कागज साबुन व्यवसाय में, कपड़े धोने में, कांच के बर्तनों को चिकना करने में, पेट्रोलियम के शोधन में, तो ये इसके उपयोग हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेना। ठीक है, खाने का सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, धोने का सोडा हो गया, अब आता है खाने का सोडा। तो इसका जो नाम है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। कैसे बनाया जाता है? अगर आपके पास नमक है NaCl, उस पर थोड़ा सा पानी मिलाओ, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, उसमें थोड़ा सा अमोनिया मिलाओ, समझ रहे हो? नमक में पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई और थोड़ी अमोनिया मिलाई, तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपको चाहिए। ठीक है, ये इसकी बनाने की विधि है। भौतिक गुण क्या है इसके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, दानेदार सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अल्प मात्रा में विलय है और इसका विलयन क्षारीय होता है, कम जल में कम घुलता है। इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है, वो जो है ना, जो मैंने बोला था दूधिया क्या मिलाता है, यही मिलाता है दूध को लंबे देर तक रक्षा ही रखने के लिए। अब रासायनिक गुण देख लो, अगर इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी और अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाते हैं, ये याद कर लेना। ये रिएक्शन अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये देखो, अगर इसको अम्ल से अभिक्रिया करोगे, HCl मेरा अम्ल है, तो मेरे को मिलेगा NaCl, मेरे को मिलेगा पानी, मेरे को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये याद कर लोगे ना तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन को HCl से अभिक्रिया करने पर हमें NaCl यानी कि लवण यानी कि और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, ऐसे लिख सकते हो। उपयोग क्या है? अगर पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो दवा के रूप में उपयोग होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में, डबल रोटी में, ठीक है, जो डबल रोटी होती है उसमें यूज़ होता है, शीतल पेय जो ठंडे है ना पेयजल होते हैं उसमें यूज़ होता है, सोडा वाटर में, फ्रूट सॉल्ट बनाने में, तो इतने उपयोग हैं इसके, खाने का सोडा। अब बात करते हैं साधारण नमक, घर पे जो यूज़ नहीं होता साधारण नमक, उसकी बात करते हैं।
तो नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और सूत्र क्या है? NaCl। साधारण नमक कैसे मिलते हैं? जो समुद्री चट्टानों में मिलते हैं प्रकृति में, है ना। कह रहे साधारण नमक हमारे भोजन का प्रमुख अवयव है, दैनिक जीवन में खाने में काम आने वाला ये साधारण नमक प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यह चट्टानों, झीलों, समुद्रों के जल से प्राप्त किया जाता है। चट्टानों से प्राप्त नमक को सेंधा नमक भी कहते हैं। ठीक, प्रमुख गुण क्या है? यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक विलय है, जल में पूरा घुल जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। गर्म करने पर यह चटकता है, चट 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 की आवाज़ आती है। ठीक है, गर्म कढ़ाई पे आप नमक फेंकोगे तो चटर चटर की आवाज़ आएगी। उपयोग क्या है? भोजन बनाने में, मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने में, मांस मछली अचार आदि को बहुत लंबे तक सुरक्षित रखने के लिए, साबुन के निर्माण में। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हैं। अब कुछ प्रश्न हैं एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। कहने क्या होता है जब क्षारक जल में घोले जाते हैं? तो देखो, क्षारकों को जब जल में घोला जाता है तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। तो ये कोई, ये लिखने के बाद कोई सा भी एक उदाहरण दे दो। ये ठीक है, ये उदाहरण दे दो। एक अगला बोला, आयन उत्पन्न होने के आधार पर अम्लों के तथा क्षारों के बीच होने वाले उदासीनीकरण अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार को मिला जाता है तो लवण और जल बनता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, सो देखो ये उदाहरण है, ये लिख दीजिएगा आप लोग। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल क्या है, ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। कह रहे वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर एच पॉजिटिव तथा आयनों में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, ये मेरे प्रबल अम्ल है। और वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर एच पॉजिटिव तथा क्षण आंशिक रूप से विघटित होता है। ठीक है, एच पॉजिटिव तथा ये क्षण मत लिखो, ठीक है, आंशिक रूप से विघटित होता है, वो पूर्ण रूप से विघटित होता है और ये आंशिक रूप से विघटित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। उदाहरण H2CO3, CH3COH, ETC। तो यही मेन डिफरेंस है, वो पूर्णतः विघटित होता है या आंशिक विघटित होता है। बाकी पूरी डेफिनेशन से हमें पहला याद करो कि दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। विद एग्जाम्पल याद करना, इन एग्जाम्पल्स को भी याद कर लेना लिख लिख के। सेम प्रबल वो था, इसमें भी आता है कि प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है। तो वे क्षार जो जल में घुले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में पूर्णतः भी जुड़ जाते हैं, वहाँ ऋण आयन था, ठीक है, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसी का उल्टा, वे क्षार जो जल में घुले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में आंशिक रूप से विघटित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एक याद किया, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, लिख के याद कर लेना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। क्लोर क्लोर एल्केली प्रक्रम, ये NCERT में भी आपका बना होगा, चित्र अच्छे से देख लीजिएगा। क्लोर एल्केली विधि क्या होती है? कह रहे हैं जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसका जो जलीय विलयन होता है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, उसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्लोर एल्केली कहलाती है, क्योंकि इस प्रक्रम में बनने वाला उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली होता है। और ये इसका चित्र है, इतना लिख दोगे, इतना चित्र बना दोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। कह रहे हैं अस्पतालों में भंगित, मतलब जो अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और उसका सूत्र ये होता है CSO4.12H2O। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये जिप्सम है, इसको 373 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने गर्म कर दिया तो ये मेरे को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया और पानी अलग हो गया।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर होता है, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। खिलौने बनाने में, आभूषण बनाने में, मूर्तियों के ढांचे बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, चिकित्सा में, विज्ञान में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, दंत चिकित्सा में, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पर चौक बनाने के लिए, प्रयोगशालाओं में, उपकरणों में, वायु जो वायु के गैप होते हैं उसको सील करने में, तो इतने सारे उपयोग हैं इसके। ठीक है, तो 4-5 तो आपको याद होने ही चाहिए। कह रहे हैं क्लोरीन की शुष्क एवं बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न पदार्थ का नाम दीजिए, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए। तो क्या है उस अभी पदार्थ का नाम? उस पदार्थ का नाम है विरंजक चूर्ण। ये मेरा बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन मिलाया तो मेरे को विरंजक चूर्ण मिलेगा, और मेरे को क्या मिलेगा? जल। आंसर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र। अभी मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है ना, CaSO4 ½H2O, ये मेरा प्लास्टर पेरिस होता है। जब जिप्सम को 373 तक गर्म करते हैं तो मेरे को ये मिलता है। ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है। धातुओं से अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? ये अम्ल है, ये धातु है, मेरा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में प्रबल अम्ल प्रबल क्षार बताइए। तो प्रबल अम्ल मेरा HCl है और प्रबल क्षार मेरा NaOH है। ईजी। सूचक क्या है जो हमें किसी चीज़ के बारे में सूचना देते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। कह रहे हैं वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में विभिन्न रंग के होते हैं, जैसे लिटमस, ऑरेंज आदि कुछ सामान्य प्रयोग में आने वाले सूचक हैं। प्रतिअम्ल क्या होता है? प्रतिअम्ल क्या होता है? जो पेट की अम्लता बढ़ जाने पर जो दिया जाता है औषधि के रूप में। कह रहे हैं अम्लता से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि स्वरूप दिए जाने वाला क्षारीय पदार्थ प्रतिअम्ल कहलाता है। इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ETC। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, जब अम्ल तथा क्षार को आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लिख सकते हो आप। लिटमस पत्र पर अम्लों का क्या प्रभाव होता है? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र पर क्षारों का क्या प्रभाव होता है? ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दो प्राकृतिक सूचक, एक लिटमस है और एक हल्दी है। साबुन क्या है? अम्लीय या क्षारीय है? तो आप देखोगे क्षारीय है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन। क्या होता है जब एक अम्ल तथा क्षार परस्पर मिला जाते हैं? आप लिखोगे लवण तथा जल बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं अम्लीय ऑक्साइड? तो आप लिखोगे क्षारीय। अम्लों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? H पॉजिटिव आयन पर। क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? वो H नेगेटिव आयनों पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं, और आप NCERT ढंग से पढ़ के जाओगे, इन क्वेश्चनों को देख के जाओगे तो आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड सारे वीडियो ज़रूर चेक करो, वीडियो के प्ले लिस्ट को, ठीक है, और वीडियो लिस्ट को ज़रूर देखो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक्स डाले, उनको ज़रूर चेक करो। जय हिंद।